नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज को। मैं हूं हमवीर सिंह। हमारे साथ है ठाकुर युवराज सिंह आलोकी, प्रमुख समाज सेवक। आप तो जानते हैं अपने बयानों की वजह से, अपने बातों की वजह से बहुत फेमस रहते हैं वो, देश इसमें बातें करते हैं। सर, आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। अभी हाल ही में सावन का महीना शुरू होने वाला है, कावड़ लेके आएंगे भोले के भक्त हैं, बहुत सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो क्या क्या वो सावधानी बरतते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? देखिए, सावन का पवित्र त्योहार शुरू होने वाला है, पवित्र महीना शुरू होने वाला है और त्योहारों का महीना रहेगा ये। तो मैं सभी अपने साथियों को, कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन जो कावड़ यात्राएं निकलेंगी, मुख्यमंत्री जी उसका विशेष अरेंजमेंट कर देते हैं, फिर भी जितने भी हमारे श्रद्धालु कावड़ी हैं उनसे भी निवेदन है कि वो अपना ध्यान रखें, आने वाले राहगीरों का ध्यान रखें और उस तरीके से रास्ते में चलें कि चलने वाले जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं उनको भी दिक्कत ना हो। कुछ परसेंट कावड़िया ऐसे होते हैं, सभी के लिए नहीं कह रहा, उनका भी सम्मान है, कि उत्पात करते हैं, दंगा करते हैं, भगवान का नाम के माध्यम से आप आते हैं, तो उन चीजों से बचना चाहिए, दूर होना चाहिए। एक दो परसेंट ऐसे भी कावड़िए हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रास्ते में भगवान के नाम पर आप कावड़ लेके आ रहे हैं, लेकिन रास्ते में कोई उत्पात नहीं, कोई दंगा नहीं, किस तरीके का दुर्घटना ना हो, अपने जीवन को भी संभाल कर रखिए, दूसरों को भी संभाल कर रखिए। और जितने भी इस एक महीने में पर्व आते हैं उनकी अपने सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, योगी जी हर साल करते ही हैं, जो कावड़ी आते हैं उनके लिए जगह जगह टेंट लगाए जाते हैं, उनके लिए व्यवस्था होती है, जगह जगह स्वागत होता है और कई सालों से आप देख रहे हैं कि वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से और वैसे उनके स्वागत में सम्मान में पुष्प वर्षा भी करवाते हैं। ऐसा मुख्यमंत्री आपको मिला हुआ है तो आपका भी एक फर्ज बनता है, भारत का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, चाहे आप कावड़ लेके कहीं से भी आ रहे हैं, आप भगवान के नाम पर, भगवान के जो आपका मनसा है उसी के प्रति, उसी को रखते हुए, उसी नियत को रखते हुए आगे चलें, बढ़ें, अपना भी ध्यान रखें और रास्ते में जो लोग आ रहे हैं उनका भी ध्यान रखें। झगड़ा नहीं होना चाहिए, उत्पाद नहीं होना चाहिए, मेरा निवेदन सब ये है। धन्यवाद सर। तो ठाकुर साहब का साफ कहना है कि सभी कावड़िया भाइयों से सावन का महीना आने से पहले ही उन्होंने एक मैसेज दिया है कि सभी सावधानी बरते हैं, भोले के भक्त तो हैं लेकिन सावधानी बरते हैं कि कोई दुर्घटना न घटे और ऐसा कुछ उत्पात न करें। तो उनका जो मैसेज है वो साफ है सभी के लिए, सभी मिलजुल कर अच्छे से त्योहार को मनाएं। फिर आऊंगा किसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए। देखना फेस टू फेस मीडिया नेक्स्ट, हमवीर सिंह, नोएडा।